आज 20वां दिन है, कैसे चल रहा है धंधा? आज काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ब्लैक बैकेट में मनाया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, बढ़िया तो मैं नहीं बोलूँगा और मजबूती साथ चल रहा है, पर बढ़िया इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि देश का दुर्भाग्य है कि हमें बेटियों के मान सम्मान के लिए भी हमें जंतर मंतर पे आके लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो इसलिए ब्लैक डे बना रहे हैं काली पट्टी बांध के 10 बजे से 2 बजे तक। समर्थन मिल रहा है जी? बिल्कुल, पूरे देश से, क्योंकि ये एक कुश्ती के खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं, ये पूरे देश की बेटियों की लड़ाई है। आज ये बेटी आगे आई है, अगर ऐसे लोग ऐसे ही शोषण करते रहेंगे और न्याय नहीं मिलेगा तो ये खुलेआम करेंगे, तो इसलिए सभी इकट्ठा होके, सभी देश इकट्ठा होके अगर हम इस लड़ाई को जीतते हैं तो ऐसे लोग हिम्मत नहीं करेंगे हमारी बहन बेटियों के ऊपर ऐसी हरकत करने की। समर्थन मिलता है, मनोबल बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है, आज पूरा देश साथ खड़ा है और चारों तरफ से, पूरे देश से, कहीं से भी लगा लीजिए, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो थोड़े से लोग बैठे हैं, हरियाणा से बैठे हैं, आप कोई भी कहीं से भी कोई भी क्लिप उठा के देख लीजिए, पूरे देश में आज रोष है कि हम अपनी बेटियों के लिए न्याय की लड़ाई में हम बढ़ चढ़ के हम उनके साथ खड़े हैं। क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हो? देखिए, ये तो आप जो ऊपर बैठे हैं उनसे पूछिए कि भाई आप, अगर नॉर्मल इंसान होता तो मुझे लगता कि आप जैसे मेरे जैसे लोग होते तो अब तक पुलिस पता नहीं क्या क्या कार्रवाई करती, लेकिन वो भाई सत्ता पक्ष का वो MP भी है, बाहुबली भी है, 12 साल से कुश्ती पे भी कब्जा है उसका, तो इसलिए मुझे लगता है कि उन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही, प्रेशर बहुत ज़्यादा। लंगर चल रहा है 24 घंटे? बिल्कुल, सब बढ़िया, मालिक की दया से सब लोग सहयोग कर रहे हैं, तो जितनी खाप पंचायतें संगठन है, किसान चाहे मजदूर महिला संगठन है, स्टूडेंट है, चारों तरफ से भरपूर समर्थन मिल रहा है और खाने की भी व्यवस्था अच्छी है, तो पूरा देश आज साथ खड़ा है, तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। पंजाब के किसान, पंजाब के सांसद, वहीं हरियाणा के लोग समर्थन दे रहे हैं? देखिए, ऐसी कोई भी मतलब स्टेट नहीं बची होगी जिसके सांसद या मंत्री नहीं आए हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट है हमारे देश की, हर जगह से पूरा समर्थन मिल रहा है और किसान परिवार हर जगह से, किसान केरल से भी आ रहे हैं और पंजाब से भी आ रहे हैं, UP से भी आ रहे हैं, राजस्थान से, मतलब कोई भी स्टेट नहीं है, हर तरह यहाँ से लोग वो बोल रहे हैं ना कि हरियाणा है, यहाँ से यूपी के उनके गांव से आए हैं, गोंडा से, उधर से भी लोग आके समर्थन कर रहे हैं कि हमें पता हो कैसा है, और वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी इमेज को ख़राब कर रहे हैं, इमेज जिसकी पहले ही ख़राब हो, इमेज एक बार उसकी देखिए और जहाँ पे खिलाड़ी यहाँ पे बैठे इनकी देखिए, हमारे ऊपर कोई इतनी सी उंगली उठा के बता दे, और उनकी IT सेल जो भोंक रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ अगर उनकी बहन बेटी होती तो वो ये ऐसे सवाल करते? पंजाब के किसान जो है लगातार समर्थन दे रहे हैं, पूरा समर्थन मिल रहा है पंजाब की तरफ से। बिल्कुल, खिलाड़ियों ने बोला है, कल साक्षी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि आप जिन लड़कियों ने कंप्लेंट दी है 7 लड़कियों, उनका नार्को टेस्ट करवा लीजिए और ब्रजभूषण का हाई कोर्ट की निगरानी में करवा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं एक वन टू वन